हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही शेयर से रिलेटेड, जिसका नाम है येस बैंक। फ्रेंड्स, बहुत ही पॉपुलर शेयर है, जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव न्यूज़। पूरे नेगेटिव न्यूज़ से ये शेयर भरा हुआ है और इसी का नतीजा आप सभी लोगों को पता है, जो शेयर करीब करीब आप देख सकते तो यहाँ पे कि जो करीब करीब 400 का हुआ करता था, वो अभी 135 पे आ चुका है। और इससे रिलेटेड जो सिलसिला है, जो नेगेटिव न्यूज़ आने का सिलसिला है, वो चलता ही जा रहा है। मैंने हमेशा कहा था फ्रेंड्स, वो वापस मैं चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि कोई भी शेयर जब अपने हाई से, जो इसने हाई बनाया था करीब करीब 393, आप या फिर आप बोल सकते हो 400, जब अपने हाई से 70 या फिर 80% टूट के नीचे चला आ जाता है, तो फिर उस शेयर में आपको होना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसी बहुत सारी सस्पिशियस चीज़ें कंटिन्यूसली होती रहती है, जो एक दिन में सामने नहीं आती, वो ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम सामने आती ही चली जाती है। इधर इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर होता रहता है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके वजह से आप देख सकते हो कि शेयर में हमेशा एक नेगेटिव माहौल बना रहता है। अभी आप सभी लोगों को पता है फ्रेंड्स, येस बैंक में बहुत सारे कुछ चेंजेस हुए थे। फॉर एन एग्जाम्पल, उनके जो राणा कपूर जी थे, उनको निकाल दिया गया था। RBI ने कहा था कि आप अपनी जो टर्म है वो उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, रीन्यू नहीं कर सकते, आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते। उसके बाद आप देख सकते हो कि नए मैनेजमेंट आया था। नया मैनेजमेंट ने आ जाने के बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़े हैं, उन्होंने प्रोविजंस नहीं बनाए थे। आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट आना चाहिए था क्वार्टरली एक्सपेक्ट किया जाता है, उल्टा आप लोगों को देख सकते हैं कि ज़बरदस्त लॉस दिखाया गया था। अगर NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाई दूंगा, तो बहुत कुछ ऐसे मशक्कतें सामने आई थी येस बैंक से रिलेटेड। नेगेटिव न्यूज़ का सिलसिला चल ही रहा था फ्रेंड्स। और एक न्यूज़ सब अब सामने आ रही है फ्रेंड्स, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है फ्रेंड्स। जैसे ही मैंने ये न्यूज़ सुनी, तो मुझे तो मतलब बहुत ही मतलब बोलते कि एक इतनी ज़बरदस्त ये नेगेटिव न्यूज़ लगी है फ्रेंड्स। अगर ये न्यूज़ सच हो गई, तो डेफिनेटली जो मैंने स्क्रीन पे बताया आप लोगों को येस बैंक का टारगेट, वो सचमुच में 100 क्या उसके नीचे भी चला जाएगा, अगर वो न्यूज़ सच हुई तो फ्रेंड्स। तो वो न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चार्ट पैटर्न अभी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आज के दिन का आप कारोबार देख सकते हो फ्रेंड्स, 3% से भी ज़्यादा डाउन है। आप देख सकते हो करीब करीब 5 रुपये आप बोल सकते हैं डाउन, 5 पॉइंट्स डाउन है, 135 है शेयर्स आ चुका है। बट इसका असली प्रॉब्लम अभी सामने आने वाला है फ्रेंड्स, और वो नेगेटिव न्यूज़ के वजह से आने वाला है। तो वो न्यूज़ क्या है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट मैंने यहाँ पे गूगल में टाइप कर दिया है येस बैंक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, सर आपको कैसे पता चल जाता है। फ्रेंड्स, आपके पास गूगल है, अभी इतना इंटरनेट फैसिलिटी है, सिर्फ आप अगर न्यूज़ भी डाल देते हो किसी भी शेयर के सामने, उसका नाम डाल के लेटेस्ट न्यूज़, तो आपके सामने इजीली जो मेन हाइलाइटेड पॉइंट रहता है वो सामने इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए एक एक अभी हम लोग देख लेते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि अनदर एग्जिट एट येस बैंक ओवर द राणा कपूर्स री एंट्री बिड। हाँ फ्रेंड्स, ये न्यूज़ में 2 पॉइंट्स छुपे हुए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले आप पढ़ सकते हो कि अनदर एग्जिट मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बोला जाता है, वो येस बैंक से अभी अपने आप को वैकेंट कर चुके हैं। मतलब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है कि हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर येस बैंक में रही रहना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो लॉ के स्टूडेंट रहेंगे उन लोगों को बहुत ही ये अच्छी तरीके से पता होगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना ये कितनी बड़ी बात होती है। अगर लॉ के टर्म में बात करें, सो सेक्शन 149 उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पूरी बातें बताई गई होती है, और सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 करके एक क्लॉज आता है, उसके अंडर बताया जाता है कि अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है फ्रेंड्स, कि मतलब अगर वो सारी चीज़ें फुलफिल करते हो तो ही और तो ही सिर्फ आप किसी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो। मतलब बहुत ही एक मुश्किल चीज़ें होती है किसी भी कंपनी के लिए आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करके एलिजिबल होना। तो आप सोच सकते हो फ्रेंड्स कि दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अभी येस बैंक से निकल चुके हैं, और उसका क्यों निकल चुके हैं, उसका रीज़न भी यहीं पे लिखा हुआ है कि ओवर द, आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, राणा कपूर री एंट्री की बिड सामने आ चुकी है। आप देख सकते हो जिस पर्सन की वजह से येस बैंक का हालत जो आज आपके सामने नज़र आ रहा है, वो जस्ट और जस्ट बिकॉज ऑफ राणा कपूर जी, उनके वजह से ही है, उनके मैनेजमेंट से वजह से ही है। बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने हाइड करके रखी थी, येस बैंक में छुपा के रखी थी, और वही वापस कह रहे हैं कि मुझे येस बैंक में वापस मैनेजमेंट में एंट्री चाहिए। अगर ये बात सच हो गई फ्रेंड्स, तो जो मैंने स्क्रीन पे आप लोगों को बताया कि 100 का टारगेट, फ्रेंड्स मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये 100 के भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि जिस पर्सन की वजह से
येस बैंक में इतनी ज़बरदस्त गिरावट आई, इतनी ज़बरदस्त, मतलब आप देख सकते हो कि नेगेटिव माहौल क्रिएट हो गया। अगर आप देख सकते हो कि येस बैंक में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है सामने कि ये शेयर वापस रिकवर कर सके, और थोड़ी बार रिकवर करते ही ऐसी सामने न्यूज़ आती है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को इससे संभलना चाहिए। सो इसी का नतीजा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि अनदर एग्जिट, मतलब वही दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर छोड़ के जा चुके हैं, मतलब ये बहुत ही सीरियस मैटर है फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि येस बैंक में मतलब राणा कपूर जी एंटर तो करना चाहते, प्लस उनका वो कॉम्पनसेशन का भी डिमांड कर रहे हैं। बीच में उनका लॉस ऑफ एन ऑफिस भी हुआ, तो उससे रिलेटेड भी वो कॉम्पनसेशन डिमांड कर रहे, जो कि एक बहुत ही डिस्प्यूटेबल मैटर है। तो आप देख सकते हैं कि येस बैंक के अंदर अभी जो मैनेजमेंट है उसमें ग्रुप पड़ चुका है, जो एक ऐसा ग्रुप है जो राणा कपूर जी उनको वापस लाना चाहते हैं, और एक ऐसा ग्रुप है जो उनके लिए मतलब बोलते हैं ना उनके रीअपॉइंटमेंट के बिल्कुल खिलाफ है। तो ऐसा झगड़ा होगा तो आप देख सकते हो कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है फ्रेंड्स। रोज का रोज अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो पॉलिसी रहते हैं, उनके डिसीजंस रहते हैं, उसके ऊपर कंप्लीटली उनका नेग्लिजेंस होने लगता है, और जो अंदर के मैटर्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर ध्यान लग जाता है, तो कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है फ्रेंड्स। और इसका फ़र्क आप देखोगे तो शेयर के प्राइस पे होगा, और वो शेयर का प्राइस नीचे ही चला जाता है। सो हम लोग और नीचे चीज़ें पढ़ लेते तो और आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो येस बैंक का शेयर क्यों नीचे आएगा। अनदर बोर्ड मेंबर रिजाइन, मतलब वही जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मैंने बात की थी उसी की बात कर रहे हैं ये लोग फ्रेंड्स। उसके बाद और एक नेगेटिव न्यूज़ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे येस बैंक का जो शेयर है वो 4% से ड्रॉप क्यों हुआ है आज ही, क्योंकि मूडीज़ है, आप सभी लोगों को पता है मूडीज़ ने क्या किया है, रेट किया है उनको अंडर रिव्यू करने के लिए। तो ये और एक अगर आप देख सकते हो, ये थोड़ी और एक नेगेटिव न्यूज़, मतलब एक ही टाइम पे अगर आप देख सकते हो तो सारी नेगेटिव चीज़ें येस बैंक के ऊपर एक साथ हावी हो रही है, जिसका नतीजा आप देख सकते हो शेयर में गिरावट बढ़ ही जा रही है कंटिन्यूसली। मतलब शेयर कुछ दिनों के लिए 5 या 10 रुपये के लिए अप डाउन अपसाइड दिखा देते हैं, और उसके बाद एक सामने न्यूज आती है उसके वजह से ये शेयर में वापस एक ज़बरदस्त गिरावट चली आ जाती है। सो हम लोग और नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा अच्छा डिटेलिंग में लिखा है, येस बैंक सीज अ टू रेजिग्नेशन हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ना राणा कपूर जी वापस एंटर करने की सोच रहे इसकी वजह से। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो ओवरऑल नेगेटिव माहौल बन चुका है फ्रेंड्स। और तो और आप सभी लोगों को पता है कि DHFL में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, और उसके बाद एक सामने आई थी बातें कि येस बैंक ने भी करीब करीब अपना जो नेटवर्थ है उसका 10% से ज़्यादा DHFL में निवेश किया था, जो कि उनका रिटर्न आना बहुत ही मुश्किल है, या फिर आप बोल सकते हो ना के बराबर है। तो येस बैंक बहुत ही एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मतलब जो उनका नया मैनेजमेंट आया है फ्रेंड्स, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें है वो सामने डिस्क्लोज़ की थी, बहुत सारी चीज़ें वो बताई थी। बट प्रॉब्लम ये था कि जो पिछला मैनेजमेंट था उसके वजह से आप देख सकते हो ये सारी नेगेटिव चीज़ें सामने आ चुकी है, और उसी का फटका आप देख सकते हो येस बैंक के शेयर के ऊपर कंटिन्यूसली हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग येस बैंक से रिलेटेड NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने येस बैंक का शेयर ओपन किया है, NSE की ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स। अगर हम लोग यहाँ पे नीचे चले जाएंगे तो आप देख सकते हो 20% सिर्फ 20% लोग क्या कर रहे हैं, इसको खरीद के लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं लंबी अवधि के लिए। ये जो पहले परसेंटेज रहता था ये करीब करीब 40-45 या फिर 50 के रेंज में हुआ करता था, तो आप देख सकते हो ये परसेंटेज कैसे डे बाय डे नीचे चला जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ नेगेटिव न्यूज़। उसके बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि पहले जो इनका प्रॉफिट था वो क्वार्टरली बहुत ही गजब का था, 1 लाख रुपीज़ आप देख सकते हो प्रॉफिट, बट ये फेक प्रॉफिट आप बोल सकते हो, क्योंकि उन लोगों ने प्रोविजन्स ही नहीं बताए थे जो राणा कपूर जी और उनके अंडर जो मैनेजमेंट थे उन्होंने, और ये नया मैनेजमेंट आया था जिनको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने सच बातें सामने लाई। और आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स कि नेगेटिव प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ही आप बोल सकते हो कंपनी में लॉस है, और उसी का नतीजा आप नीचे ये भी देख सकते हो कि EPS भी इन लोगों का नेगेटिव में जा चुका है। सो इतनी सारी नेगेटिव फैक्टर सामने आने के बाद मैंने इससे हमेशा कहा था आप लोगों को कि जिन्होंने भी अभी तक येस बैंक नहीं खरीदा है प्लीज़ इस शेयर से दूर रहना फ्रेंड्स, और भी ऐसे आगे चीज़ें आ सकती है नेगेटिव जो येस बैंक के शेयर के ग्रोथ में गिरा, मतलब बोलते हैं ना और भी ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो को क्लोज करते वक्त एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं सर आप येस बैंक के खिलाफ हमेशा नेगेटिव क्यों बोलते हैं। फ्रेंड्स मैं येस बैंक के खिलाफ बिल्कुल नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, जो सच है जो प्रैक्टिकल है मैं आपको सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहो तो आपको गुमराह कर सकता हूँ या आपको बोल सकता हूँ नहीं नहीं येस बैंक ज़बरदस्त शेयर है, आगे आने वाले समय में आप देख सकते हो रॉकेट बन सकता है,
बट फ्रेंड्स जो सच बात है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत बार जिक्र किया है फ्रेंड्स कि कोई भी शेयर के साथ इमोशनल अटैचमेंट मत करना फ्रेंड्स, वरना आपका ही नुकसान होगा फ्रेंड्स। ऐसे स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त कंपनियाँ होके भी जा चुकी है जो अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनियाँ थी, और आज अगर उसका आप वैल्यू देखोगे शेयर का प्राइस, तो वो पेनी शेयर्स में आते हैं, मतलब एक रुपये दो रुपये के शेयर के भाव पर उनका वैल्यू चल रहा है। तो याद रखना फ्रेंड्स, मैं हाथ जोड़ के आपकी विनंती करता हूँ फ्रेंड्स कि कोई भी शेयर से रिलेटेड इमोशनल अटैचमेंट मत कर लेना फ्रेंड्स। जो फैक्ट है उसके ऊपर आप अपना नज़र रखिए और उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिए। तो चलिए आपको एक एग्जांपल बता ही देता हूँ तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने एक शेयर ओपन किया है, बहुत ही पॉपुलर शेयर है फ्रेंड्स। इससे रिलेटेड यूट्यूब में आपको अच्छे अच्छे केस स्टडीज़ भी सुनने को मिलेंगी फ्रेंड्स। इसका नाम है यूनिटेक लिमिटेड। आप इसका प्राइस देख सकते हो फ्रेंड्स 1.20, सिर्फ 1.20 पे। और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखोगे तो ये शेयर अपने, मतलब बोलते हैं ना, रियल इस्टेट के इसमें लीड करता था सबको, मतलब 500 के ऊपर इसका वैल्यू होता था फ्रेंड्स। इतना ही छोड़िए फ्रेंड्स, हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था जो था अनिल अंबानी जी की कंपनी से रिलेटेड। आप जितने भी ADAG ग्रुप के कंपनीज के देखोगे शेयर की वैल्यू, वो इतने गजब की थी फ्रेंड्स कि 2000 के ऊपर चलते थे। बट आज अगर उसका आप हालत देखोगे फ्रेंड्स तो सिंगल डिजिट पे चलते हैं। तो याद रखना फ्रेंड्स, अगर आप इमोशनली अटैच रहोगे शेयर मार्केट में तो फिर आप शेयर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। आपको हमेशा प्रैक्टिकल जो है उसके ऊपर ही ध्यान रखना होगा। अगर कोई शेयर खराब है, अगर उसमें कंटिन्यूसली नेगेटिव चीज़ें सामने आ रही है, तो वहां से एग्जिट करने में समझदारी रहेगी फ्रेंड्स, तो ही आपको लॉस कम होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वखरांगी पीसी ज्वेलर्स में आज भी कायम है, ये सोचते हुए कि कभी ना कभी ये शेयर वापस कमबैक करेंगे फ्रेंड्स। तो ऐसी बिल्कुल गलती नहीं करनी है फ्रेंड्स आप लोगों को। जो प्रैक्टिकल है, जो सच है, उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। सो फाइनली हम लोग क्या करें येस बैंक से रिलेटेड। अगर हमारे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने कहा था कि नया मैनेजमेंट अच्छा है डेफिनेटली, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने होल्ड ही करना है, बट एवरेज आउट बिल्कुल नहीं करना है। शेयर नीचे जा रहा है, इसका फ़ायदा उठा कि आप एवरेज आउट बिल्कुल मत करना, बहुत और भी प्रॉब्लम हो सकती है। अपना पैसा नहीं फंसाना है फ्रेंड्स, आपको चाहिए तो दूसरे शेयर में आप शिफ्ट आउट कर सकते हो, वहाँ पर पैसा लगा सकते हो, वहाँ से आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। उसके बाद अगर फ्रेश बाइंग की करने की कोई अपॉर्चुनिटी है, तो जैसे मैंने कहा था कि कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, फ्रेश बाइंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और भी प्रॉब्लम आगे सामने आ सकती है। सो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी करना, अगर इस चैनल में अगर आप नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक करना, तो जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।